हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है उसके इनसाइट नेस्टेड ट्राइकेज के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, इस टॉपिक को हम एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक इंटीजर टाइप में अरे लिया है और इसमें कुछ एलिमेंट्स डाले हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, और मैं चाहता हूँ कि इसमें से कोई एक एलिमेंट प्रिंट हो जाए। अब प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, और बाई मिस्टेक मैं यहाँ पर ऐसा इंडेक्स डाल देता हूँ जो यहाँ पर नहीं है। जैसे मैंने ए ऑफ 6 डाल दिया। अब यहाँ इंडेक्स की अगर बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स ही है, जबकि मैंने यहाँ पर 6 इंडेक्स डाला है। तो होगा ये कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन टाइम पर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आएगा, जिससे आपका जो प्रोग्राम है वो अबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। अबनॉर्मल टर्मिनेट होने का मतलब यह है कि इस स्टेटमेंट के बाद अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट बना लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंड स्टेटमेंट, तो ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपने गलती किया है, आपने ऐसा इंडेक्स डाला है जो यहाँ पर नहीं है। रन करके बताते हैं आपको, बहुत आसान है। जब आप इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आया है 6 इंडेक्स के लिए। और अगर आप यहाँ पर सही इंडेक्स डाल देते हैं, जैसे आपने यहाँ पर 3 डाल दिया, तब आपका जो प्रोग्राम है वो अबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा। मैं रन करके चेक करके बताता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए ऑफ 3 लिखा है तो 0, 1, 2 और 3, 3 पर 40 है तो 40 प्रिंट हुआ है और एंड स्टेटमेंट भी प्रिंट हुआ है। बट ये है कि जब आपने ऐसा इंडेक्स डाला तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया है, जिससे आपका प्रोग्राम अबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। उससे बचने के लिए आपको इसे ट्राई कैच में डालना पड़ेगा, यानी कि ट्राई कैच के थ्रू आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। तो आपने क्या किया, इस स्टेटमेंट को ट्राई कैच की इनसाइट डाल दिया। अब ट्राई कैच की इनसाइट डाला, बट यहाँ पर आपको कौन सी क्लास लेना है, यहाँ पर आपको लेना है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि इंडेक्स रिलेटेड यही एक्सेप्शन आता है इस तरीके से, और आपको प्रिंट करवा देना है। यहाँ पर पहले मैं ट्राई कैच लगा रहा हूँ, इसके बाद मैं नेस्टेड ट्राई कैच बताऊँगा कि उसकी नीड क्यों है। यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करवा देता हूँ। तो होगा ये कि जब आप रन करेंगे इसे तो एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा और आपका जो प्रोग्राम है वो अब नॉर्मली टर्मिनेट होने से बच जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है और पर्टिकुलर से इंडेक्स के लिए उसने एक्सेप्शन बता दिया है कि अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन है। अब मान लीजिए कि आपने इंडेक्स सही डाला हुआ है यहाँ पर, बट आप एक और अदर प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप चाहते हैं कि 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो डिवाइड हो जाए 0 से और उसका आउटपुट आ जाए एक्स में, और उसे आप प्रिंट करवाना चाहते हैं इस तरीके से। अब आपने यहाँ पर सही इंडेक्स डाला है, लेकिन आपने जब अदर प्रोसेस अप्लाई किए तो उसके लिए अगर आपने गलती किया है और रन टाइम पे कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो फिर वो इससे हैंडल नहीं होता। मैं रन करके बताता हूँ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया है डिवाइड बाय 0 का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे भी ट्राई कैच में डालना पड़ेगा, यानी कि आप ट्राई कैच के इनसाइड ट्राई कैच डाल रहे हैं, तो ये हो गया नेस्टेड ट्राई कैच इस तरीके से। और यहाँ पर आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन को रखेंगे इस तरीके से और आप प्रिंट करवा देंगे
यहाँ पर एक्सेप्शन को इस तरीके से, बहुत आसान है। पर रन करके चेक करके बताते हैं आपको, यानी कि अब जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो एक्सेप्शन है वो हैंडल हो जाएगा और आपको आउटपुट मिल चुका है 40, क्योंकि ए ऑफ 3 पे 40 है। और उसके बाद अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया डिवाइड बाय 0 का, और उसके बाद एंड स्टेटमेंट भी प्रिंट हो गया है, यानी कि यूज़र को पता चल चुका है कि उसने गलती क्या किया है, तो वो यहाँ पे सुधार सकता है। तो इस तरीके से आप ट्राई कैच के इनसाइड ट्राई कैच लगा सकते हैं, और जब आप ट्राई कैच के इनसाइड ट्राई कैच लगाते हैं तो वो नेस्टेड ट्राई कैच होता है। तो इस तरीके से जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइड आप ट्राई कैच का यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड ट्राई कैच का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।